तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं। और तो और, हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये? ये भैया, ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। ओ पंडित, यू शट अप। ठीक है, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। अबे ठीक है, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है, और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है, ऑफिस के चारों ओर चार फूटे गड़वा दिए। काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमन्ते भव भंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बताए देवा, ये क्या कर रहे हो तुम? देवा, शैलेंद्र, देवा, इसकी जगह पर मरा मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा, रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा, लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई काम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर, भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है, जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा, अपने।
करो। ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है, इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में यह बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर यह पूरा सच उगलेगा। यह क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ उसे। देवा, यह मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन, आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करना है हम लोगों को। चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले, मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते। मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कहकर तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया। देवा, देवा तुमने आज बता दिया हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। Money? चक्कर आ गया मुझे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक गई। जय माता दी। अरे रुको रुको, अंदर नहीं जाने दूंगा। राजा शांतपति पति का कहीं सही नहीं जाने देगा। ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या, ये तोता है। ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी, आ गया मेरा मिट्टू, मेरा मिट्टू आ गया। जा 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 जा। क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है, मैं हूँ ना, मुझ पे डाल दे, मुझ पे डाल दे, मैं संभालूंगी। अरे मेरा राजा, आजा आजा आजा। मिठू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है, मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ, कहीं सस्ते में तो नहीं दी? नहीं नहीं, जाएगा ले लेंगे। बराबर बराबर लाकर मुझे देना, यहाँ का मुझे बिल बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना। माँ जी आपने मुझे बुलाया, ये ले 10 रुपए। एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे वुरमुरे। अरे भाई मेरे लिए नहीं भैया, मिठू के लिए। अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माजी ने बोला है। जा जा, मुल्लू बनाया इसको, अब दोनों मिलकर खाएंगे। आओ आओ इंदर, आओ। सर उधर रखो। सर इन दो सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए। बैठो। थैंक यू सर। सर ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किरायेदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है,
लेकिन पिछले दो दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब हैं। जाहिर है सर, उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर, हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो। हो सकता नहीं सर, लिंक है। देवा का डेफिनेट लिंक है सर। मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं, आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर, तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है। दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते, मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो, शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा कुटी। सारी बत्तियां बंद क्यों हैं? इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे? मैंने कहा इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं, मना किया था ना मैंने? हाँ, मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूँ मैं तेरा? तेरे पूछा कौन हूँ मैं तेरा? पति। तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है, जो मैं चाहता हूँ जब मैं चाहता हूँ वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर, और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेल जोड़ रखे, ये बात ठीक नहीं, समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो, देवा को भूलने की आदत डालो। मनी जी, तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा नहीं? हाँ, धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा? नहीं, 2 लाख 10-12 खोका इधर उधर हो जाता है। हा? खोका खोका बोले तो 1 करोड़। यानी कि 10-12 करोड़। तू सेफ्री खाएगा? नहीं नहीं माँ। अरे मैं मंगाती हूँ, मेरी बहुत चलती है। बार बार नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ, एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी, राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं वैसे देवा कहाँ है? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। देवा, देवा मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई
उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली देवा। जया तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है, मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है देवा। एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो, देखो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी देवा। बकवास बंद करो, तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा मकसद सिर्फ खून मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी, उन्हें यहां लाने में काफी देर हो गई। I'm sorry. अरे देवा, क्या बात है देवा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे, सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूं। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर माँ का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा?